नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं अभिमन्यु एग्री सीड्स के रिसर्च फार्म पे, जहाँ पे किसान भाइयों के लिए नई नई और कुछ किस्मों को विकसित किया जाता है, जिनको किसान भाई लगा के फसलों से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और अपनी खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और उसी कड़ी में अभिमन्यु एग्री सीड्स के द्वारा एक सरसों की नई रिसर्च वैरायटी तैयार की गई है, जिसको आप देख सकते हैं लगी हुई है, और इसको आप पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं और इसकी हाइट आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है इसमें। तो ये जो वैरायटी है हमारे डॉक्टर आर के सैनी जी के द्वारा मार्गदर्शन में तैयार की गई है, तो इससे संबंधित जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, इससे संबंधित अधिक जानकारी हमारे किसान भाइयों को बताइए, तो कौन सी किस्म है, इस किस्म के बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताइएगा। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार सैनी है और मैं अभिमन्यु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में लीड ब्रीडर की पोस्ट पर हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इस वैरायटी के बारे में बताऊँ, ये अभिमन्यु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की ज्योति रिसर्च वैरायटी है और आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही रहे, जैसे कि आपको पुष्पेंद्र जी ने भी आपको बताया है, इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और पौधे की आप ग्रोथ देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कितने दिन की फसल हो गई है अभी? ये हमारी 120 दिन की फसल हो गई है अभी तक। अच्छा, और इसमें अभी कितना समय लग जाएगा पकने में? ये लगभग 10 से 12 दिन और ले लेंगे। 10 से 12 हार्वेस्ट। जो मार्केट में अन्य किस्में उपलब्ध हैं हाइब्रिड में या फिर रिसर्च में, जिनको किसान भाई अभी तक की लगा रहे हैं, तो उनसे ये किस प्रकार से अलग है और इसकी क्या खास विशेषता है जिससे किसान भाई इसको लगाएं और उनको लगाने से इसको फायदा देखने को मिले, उसके बारे में, इसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में हमें? देखो पुष्पिल जी, ये रिसर्च वेराइटी है और इसकी ये काफ़ी डिफरेंस है मार्केट में, जितनी वेरायटी अवेलेबल है या हाइब्रिड अवेलेबल है उनमें सबसे ही अलग है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक एक इसकी क्वालिटी, एक एक करेक्टर मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप एक बार पौधे के नज़दीक आकर इसका स्टेम दिखाएं। देखो आप किसान भाइयों, आप इसका स्टेम देख सकते हैं, इसका स्टेम काफ़ी मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है और सबसे खास बात यह है कि ये वैरायटी गिरेगी भी नहीं। और आप इसमें जो पुष्पेंद्र जी, इसमें जो प्राइमरी ब्रांचेज की बात करी जाए, प्राथमिक शाखाओं की, इसमें ये 12 से 15-16 शाखाएं हैं प्राथमिक शाखाएं, और सेकेंडरी ब्रांचेज जो है इसमें आप देख रहे हैं, दिखाओ ये दिखाओ आप जी, जैसा आप देख रहे हैं इसमें 42 से और 50-55 के बीच में शाखाएं हैं सेकेंडरी ब्रांचेज जो है जी। और फिर आप उसके बाद फली देखो, आप फली कितनी जबरदस्त है, दिखाओ इधर को दिखाओ पुष्पेंद्र जी, ये देखो इसकी जो फली की लंबाई है बहुत अच्छी है और इसका जो दाना भी है ना, बोल्ड है दाना, मोटा दाना है, काला है, चमकदार है। और इसमें एक फली में जो दानों की संख्या की बात करें तो वो हमारी 18, 19, 20 दानों की संख्या, 18 से 21 दाने हो सकते हैं। एक फली तोड़ के आप दिखाइए, एक फली तोड़कर इसके दिखाता हूँ, देखो आप काउंट कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल, कैमरा नज़दीक लाइए आप थोड़ा सा, काफी मोटे भी दाने इसके दिख रहे हैं, इसमें दाने बोल्ड है और काले चमकदार भी हो गए। अच्छा, तेल प्रतिशत इसमें क्या पाया जाता होगा डॉक्टर साहब? इसमें 42 से 44% ऑयल कंटेंट, 42 से 44% तेल की मात्रा पाई जाती है, इसका मतलब मार्केट में इसके रेट भी अच्छे मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे रेट मिलेंगे, वो तो आप देख ही रहे हो इसके दाने का साइज कितना है। जी जी बिल्कुल, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें की प्रतिशत मात्रा इसमें दाने से देखने से ही पता चल रहा है। एक बार इसको काउंट करके दिखाइए डॉक्टर साहब, ये आप इसे काउंट करके दिखाइए, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दाने इस फली में भी। हाँ, 18 दाने इस फली में आप देख सकते हैं, एक फली तोड़ी गई थी जिसमें 18 दाने आपको दिखे। अगर इसमें एवरेज की बात करें तो 18 से लेके 21 दाने तक की प्रति फली में मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार इस पौधे को पूरा जो है काट के आप दिखवाइएगा किसान भाई, एक मिनट इसको काटना, पौधे को एक बार काट के दिखाइए, काट के इसकी ब्रांचिंग क्लियर, इसमें कितनी ब्रांचिंग है और पौधा कैसे दिखता है, कितना मोटा मजबूत है, आप काटने से दिख जाएगा और कितनी फलियां है पौधे के अंदर। ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पौधे को बाहर लाइए, ये आप इसकी हाइट देख सकते हैं, ये आप देखिए इसकी हाइट आप देख सकते हैं, हमें लग रहा है डॉक्टर साहब ये 6 फीट से भी ऊपर होगा। हाँ, ये 6 फीट के आसपास है, 5.5 से 6.5 फीट तक इसकी हाइट है। पौधा देख सकते हैं कितना जबरदस्त इसका जो है ब्रांचिंग, देखिए ब्रांचिंग, प्राइमरी ब्रांचिंग, मेन ब्रांचिंग, और इसमें फिर आप फलियों की संख्या देखिए, फलियों की संख्या देखिए, आप बहुत ही जबरदस्त पौधा, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है इस पौधे की। डॉक्टर साहब, इसका जो टोटल प्रोडक्शन होने वाला प्रति एकड़ में कितना हो सकता है? इसके जो प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें प्रोडक्शन हम मान के चल रहे हैं, पिछली बार का जो हमारे पास रिसर्च का डेटा है,
तो उसमें हमारा 12 से 14 क्विंटल पर एकड़ का आया है। अच्छा, पिछली बार जो आपने इसका प्रोडक्शन लिया था 12 से 14 क्विंटल तक के आपने प्रोडक्शन पर एकड़ का आया है, प्रति एकड़ यहाँ पे उत्पादन लिया जा चुका है रिसर्च फार्म में। और जो फसल इस बार फसल दिख रही है तो इसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी उत्पादन कम होने वाला है, यह उत्पादन कहीं बढ़ के भी हमें बढ़ेगा, मिल सकता। इस बार हमारा उत्पादन बढ़ेगा। जी, बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। जी जी, तो इसको लगाने से किसान भाइयों को और क्या क्या फायदे होने वाले हैं डॉक्टर? इसे अदर वेराइटियों की अपेक्षा इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन। हाँ, और हमारी ज्योति जो मस्टर्ड है, ज्योति मस्टर्ड ये पाले के प्रति सहनशील है, इस पर पाले का भी कोई प्रभाव और कोई बीमारी के प्रति भी ये सहनशील है। हाँ, डिजीज रेसिस्टेंट, मतलब बहुत कम डिजीज, नाम मात्र के ही डिजीज आते हैं। सरसों में जो लगने वाली बीमारियां हैं उनके प्रति भी ये सहनशील है। ये एक तो पाला से जो है आपकी इस फसल को सुरक्षा करेगा, और जो लगने वाली बीमारियां वो कहीं तक की इस पर कम असर करेंगी, और इसका उत्पादन भी बढ़ के आने वाला है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस बार मन्यू कंपनी की ज्योति वैरायटी को आप एक एकड़ में कम से कम खेती करके जरूर देखिए, और इसको अन्य वैरायटियों की अपेक्षा आपको ज़्यादा उत्पादन बढ़ के मिलेगा। और अभी तक की जो आपने वैरायटी लगाई हो जिससे आपको सबसे अच्छा उत्पादन मिला हो, उसके साथ में अभिमन्यु एग्री सीड्स की ज्योति वैरायटी को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, निश्चित ही आपको बढ़ के उत्पादन आएगा। क्यों डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। मैं ये कहता हूँ कि किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि चाहे वो एक बार इसको ट्रायल तौर पर लगाए। अभिमन्यु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की ज्योति वैरायटी इतनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देती है, इतना हायर प्रोडक्शन है इसका, किसान तो वैसे ही मालामाल हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी एक खास बात ये भी है कि इसका स्टेम इतना मजबूत है, ये गिरती भी नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों की अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आशा करेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही किसान भाइयों को जानकारी देते रहेंगे और नई नई वैरायटियों को किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। ओके सर।